जहां स्ट्रांग रूम में सील हुए हैं ईवीएम। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा सीआईएसएफ पुलिस अधिकारी के जवान यहां तैनात हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम को स्ट्रांग रूम यहां पर बनाया गया है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर में, जहां इन ईवीएम मशीनों को रख दिया है। तो कल वोटिंग हुई 70 विधानसभा सीटों को लेकर, और ऐसे में रायपुर में भी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। सीआईएसएफ पुलिस अधिकारी के जवान तैनात हैं और पल पल की निगरानी, पल पल की मॉनिटरिंग इन ईवीएम को लेकर हो रही है, क्योंकि 3 दिसंबर को ईवीएम में जो बेचारे में कैद हुआ है वो सब खुलेगा, उसका राज खुलेगा। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सेज बहार में स्ट्रांग रूम बना दिया गया है। पहले उसकी तैयारी कर ली गई थी और जैसे ही कल वोटिंग हुई, मतदान हुआ, उसके बाद इन ईवीएम को सुरक्षित यहां पर रख दिया गया है। इसके बाद 3 दिसंबर को जब वोटिंग के बाद खुलासा होगा कि आखिरकार किसकी किस्मत इनमें कैद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दी, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पल पल पर निगरानी की जा रही है। तीसरी आंख जो है वो इन पर बकायदा पहरा तो दे ही रही है, लेकिन इसके बाद भी आपको बता दें सीआईएसएफ पुलिस जो अधिकारी के जवान हैं वो भी यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैनात हैं। तो सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से जिम्मेदारी ली गई है। तो 7 विधानसभा सीटों के ईवीएम को रखा गया स्ट्रांग रूम में। मोहम्मद हसन, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, क्या जानकारी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबार में किस तरह से सुरक्षा रखी गई है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है स्ट्रांग रूम की? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों पर जो मतदान की जो प्रक्रिया वो पूरी हो गई है। कल बीते दिन जो है 70 विधानसभा यानी कि दूसरे चरण का मतदान भी जो है वो संपन्न हुआ। राजधानी रायपुर की बात करें तो 7 विधानसभा के जो ईवीएम है उन्हें यहाँ पर जो है सुरक्षित रखा गया है। रायपुर के सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम है वो यहाँ पर बनाया गया, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। सीआईएसएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 24 घंटे यहाँ पर जो जवान है वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। पुलिस के अधिकारी भी जो है साथ ही मौजूद है। पूरे इलाके में जो है लगातार पुलिस की टीम भी जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी निगरानी में जो ईवीएम है उन्हें यहाँ पर रखा गया है। ये सेज बहार का इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ को जो चारों तरफ से जो है सीआईएसएफ के जवानों ने घेर रखा है। 7 ईवीएम कुल मशीनें जो है वो इस स्ट्रांग रूम में जो है वो यहाँ पर रखी गई है। आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखा दूं, पूरे इलाके को जो है सीसीटीवी की निगरानी में जो है वो रखा गया, और सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग है वो सीआईएसएफ के अधिकारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर समेत कुल 7 सीटों में जो मतदान हुए उनकी जो ईवीएम मशीन है वो यहाँ पर रखा गया। तस्वीरों में ये जो पीछे स्क्रीन दिख रही है मैं आपको दिखा दूं, स्क्रीन में जो है वो सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो है यहाँ से आना जाना कर रहा है। स्ट्रांग रूम का जो फुटेज है वो सीधे यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही सीआईएसएफ के जो जवान है वो 24 घंटे यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए। इसके अलावा जो केवल निर्वाचन के जो लोग हैं, निर्वाचन के जो अधिकारी है उन्हें ही सिर्फ प्रवेश करने की जो अनुमति है वो दी गई है। साथ ही आई कार्ड जो है वो यहाँ पर चेक किया जाता है, अंदर मेटल डिटेक्टर्स भी जो हैं वो लगाए गए हैं। 3 दिसंबर तक का सभी प्रत्याशियों को इंतजार है कि आखिरकार कौन जो है वो विजयी होगा किस इलाके से, लेकिन तब तक के लिए जो है करीब 10 दिनों का भी जो है इसमें समय है, और ऐसे में यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। देर रात करीब 11 से 12 बजे तक जो ईवीएम मशीनें हैं वो यहाँ पर लाई गई, और ईवीएम मशीनों को ला करके यहाँ पर सील किया गया है, और सील करने के बाद अलग अलग विधानसभाओं के लिए अलग अलग जो रूम है वो वहां पर बनाया गया। और बाहर रूम में आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लिखा हुआ है, रायपुर दक्षिण, रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण समेत अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग ईवीएम रखने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। लगातार यहाँ पर वायरलेस सेट्स भी जो है वो लगाए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज 24 घंटे जो है उसके माध्यम से यहाँ पर निगरानी जो है की जा रही। कुल मिलाकर के कड़ी सुरक्षा, स्क्रीन भी आपने देखी किस तरह से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैनात हैं जवान, और पल पल पे निगरानी रखी जा रही है। तीसरी आंख भी यहाँ पर पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए। तो 7 विधानसभा सीटों के ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है।